नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है आज के ताजातरीन खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय वाराणसी के दौरे पर हैं, जहां आज वे 14,000 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और 13 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। दरअसल अब किसी भी समय लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। बतौर प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद के रूप में दूसरे कार्यकाल में उनका यह अंतिम दौरा माना जा रहा है। MSP की मांग कर रहे किसान संगठन आज पूरे देश में काला दिवस मनाएंगे। इसके लिए किसान नेताओं ने लोगों से सभी गांव, कस्बे, गली और मोहल्ले में पुतला फूंकने और प्रदर्शन करने की अपील की है। वहीं आज ही किसान संगठन दिल्ली कूच को लेकर आंदोलन की अगली रणनीति भी तय करेंगे। फिर वही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मुसीबत। अब राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ताओं को असम पुलिस ने सम्मन भेजकर आज पेश होने को कहा है। बता दें कि असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान हुई झड़प में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर सार्वजनिक संपत्ति नष्ट करने का आरोप लगा था, जिसको लेकर आज उन्हें कोर्ट में पेश होना है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का जनविश्वास यात्रा आज बक्सर पहुंचेगा, जहां तेजस्वी यादव ऐतिहासिक किला मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों और प्रत्याशी चयन को लेकर भाजपा के कई बड़े नेता आज अलीगढ़ आ सकते हैं, जहां खबर है कि यहां होने वाले बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री VL संतोष, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के एक फौजी की चेतावनी के बाद कलेक्ट्रेट में हड़कंप मच गया है, जहां फौजी ने CM मोहन यादव के सभा को लेकर चेतावनी दी है और पत्र में लिखा है कि उसकी जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। अगर उस पर कार्रवाई नहीं की गई तो आज वो मध्य प्रदेश के CM के सभा में एक बड़ा कदम उठाएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां वे एम्स अस्पताल बिलासपुर में कैंसर रोगियों के उन्नत रेडियोथेरेपी उपचार के लिए एम्स रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सेवाओं तथा ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करेंगे। वहीं एम्स में लोगों के विश्राम के लिए प्रस्तावित बड़े सदन के निर्माण का भी शिलान्यास करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। 2 दिन के ब्रेक के बाद 24 फरवरी को मुरादाबाद से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिर से शुरू होगी, जहां प्रियंका गांधी इसमें शामिल होंगी। वहीं खबर है कि 25 फरवरी को आगरा में राहुल गांधी की यात्रा में अखिलेश यादव भी शामिल हो सकते हैं। सारण में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश चाचा से अब बिहार चलने वाला नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव के वक्त हमने युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था। महागठबंधन की सरकार में हमने मात्र 17 महीने में 5 लाख लोगों को अलग अलग विभागों में नौकरी देने का काम किया। बृहस्पतिवार को ED द्वारा अरविंद केजरीवाल को 7वां सम्मन भेजे जाने के बाद दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करने पर मिली है धमकी, आने वाले 3-4 दिनों में अरविंद केजरीवाल को किया जा सकता है गिरफ्तार। किसान आंदोलन के बीच शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने लंबी हलके के लोगों की परेशानी सुनने के बाद कहा कि केंद्र सरकार को किसानों की मांगों पर विचार करनी चाहिए। बादल ने यह भी कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रदेश के लोगों से 22 फसलों पर MSP देने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार MSP लागू करती है तो शिरोमणि अकाली दल समर्थन करेगी। हरियाणा में बजट सत्र के दौरान भाजपा सरकार के विरुद्ध कांग्रेस द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव सर्वसम्मति से निरस्त हो गया, जहां सरकार के पक्ष में बहुमत को देखते हुए विपक्ष ने यह फैसला लिया। मई महीने में शुरू होने जा रही 4 धाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है, जहां गुरुवार को आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडे ने 4 धाम यात्रा से जुड़े जनपदों तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिया। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन द्वारा बुधवार को रांची के मोहरावादी मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत करने के साथ ही पलामू जिले में भी 6 रूटों में गाड़ी चल पड़ी। इन बसों में छात्रों के अलावा दिव्यांगों, आंदोलनकारी और बुजुर्गों को निःशुल्क परिवहन की सुविधा मिलेगी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को जांजगीर चांपा में भाजपा की विजय संकल्प रैली में जनता से एक बार फिर से केंद्र में मोदी सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश के अर्थतंत्र को आगे ले जाने का काम किया। हमारा देश दुनिया के अर्थतंत्र की तालिका में पहले 11वें स्थान पर थी, जिसे मोदी सरकार ने 5वें स्थान पर लाया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में वीरवार को राज्य के वर्ष 2024-25 के बजट पर चर्चा के अंतिम दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोरदार नोकझोंक हुआ, जहां सत्ता पक्ष ने केंद्र पर हिमाचल के साथ खास तौर पर आपदा के समय भेदभाव का आरोप लगाया। वहीं विपक्षी सदस्यों ने कहा कि बजट में झूठे घोषणा के अलावा कुछ नहीं है। जम्मू के गांधीनगर में चल रहा पासपोर्ट केंद्र ट्रांसपोर्ट नगर नरवाल में सोमवार से काम करना शुरू कर देगा, जहां पासपोर्ट के लिए नए आवेदन करना आसान होगा। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले स्थित संदेश खाली मामले में रिपोर्टिंग कर रहे एक पत्रकार की गिरफ्तारी के मामले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता को कुचलना सही नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ ने दावा किया कि उन्होंने 37 साल पहले एक वाघ का शिकार किया था और उसका दांत अपने गले में पहनते हैं। अब विपक्ष ने वन जीव अधिनियम के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जयपुर में स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती एक युवक को गलत ग्रुप का ब्लड चढ़ाने से उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसकी दोनों किडनियां काम करना बंद कर दिया है। हालत नाजुक होने पर उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां खबर है कि मरीज का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था, जिसे ए बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया गया, जिस कारण किडनियां फेल हो गई है। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी बहुत लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ 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 वो भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। और अब बारी है कल के न्यूज़ पर कमेंट करने वाले लोगों के नामों की। उनके नाम है सुनील कुमार पाथिपाका, देवेंद्र दहिया, वशिष्ठ तिवारी, अशोक परमार, शिल्पी बेग बैनर्जी, संतोष भटनागर, सुल्तान अंसारी, नवरत्न सिंह, रणधीर सिंह, सुनील कुमार पाथिपाका, शिव संबर दीक्षित, राजेंद्र केलवा, अयोध्या प्रसाद राठौर, चंद्रजीत, मेदीलाल मौर्य, केशव चंद तिवारी, अरविंद पासवान, प्रयास यादव, अंसारी रसीद, ईश्वरदीन विश्वकर्मा, संजय पाल, शिवाजी पटेल, सतीश चौबे, सत्येंद्र साह, निरंजन जोशी, राजेश रॉय, दीना बंधु कलसाई, उपेंद्र, राजेंद्र केलवा, कांता प्रसाद, प्रहलाद शुक्ला, गौतम महतो, प्रवीण कलिता, आर के श्रीवास्तव, परशुराम, विंध्यांचल राम, खेम होम थापा, घरेलू खाना, काजल कुमार गांगली, बबन यादव, विनोद तिवारी, रक्षा आर्या, बलबंत सिंगिल, बलेंदु शर्मा, प्रहलाद पंडित, अशोक आर्या, निधिनाथ पांडे, बंटी हजारिका, संतोष कुमार गौप, गुडवेज ट्रेवल, केपी तिवारी, सत्येंद्र साह, अरुण दांगे, श्याम नंदन चौधरी और सुनील कुमार पाथिपाका। तो ये थी आज की ताजातरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।